मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, यानी इसमें दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कीटोन बनाने का दो मेथड। अभी आपको हम बस उतने ही बता रहे हैं जो आपको एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके जो पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है उसको भी हमने बता रहे हैं, ठीक है। जो आपको सिलेबस में रखा गया है सिर्फ उसी पोर्शन को भी हम टच कर रहे हैं। तो आज हम लोग कीटोन बनाने का दो मेथड पढ़ेंगे बच्चों। तो हमारा पांचवा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है। देखिए, एसिड क्लोराइड से हम लोग एल्डिहाइड भी बनाए थे। इस मेथड का नाम था रोजनमन रिडक्शन। अभी हम लोग एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाएंगे, बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, इसमें हम लेते हैं एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड, और इसका रिएक्शन करवाते हैं डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। इसे देखिए बच्चों, फॉर्मूला हो गया CH3 का होल टू CD। फिलहाल इसका नाम होगा डाई मिथाइल कैडमियम। क्या लिख सकते हम लोग, व्हेन एसिड क्लोराइड इज रिएक्टेड, व्हेन एसिड क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ डाई अल्काइल कैडमियम, then ketone is formed. तो this is acid chloride, है ना। यहाँ पर डाइअल्काइल कैडमियम है, जब इसको बच्चों कराएंगे रिएक्शन तो देखिए क्या होगा, इसका दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा, CH3 सी डबल बॉन्ड OCl, और यहां भी CH3 सी डबल बॉन्ड OCl, और ये CD है बच्चों, और यहां पर दो लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, है ना। ये हमारा CH3 है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां से CDCl2 बाहर निकल जाएगा, CDCl2 बाहर निकाल देना है। देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे बॉन्ड खाली हुआ, यहां पे क्या रहेगा, कार्बन का चेन CH3, और फिर नीचे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे दूसरा CH3 आ जाएगा। इसको हम लोग अलग अलग ना लिख करके यहां होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारा सेम है, प्लस बाहर का निकल रहा है CDCl2, दिस इज कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, CDCl2 बाहर निकल गया। तो हमको करना क्या है कि जो हमारा एसिड क्लोराइड रहेगा वहां से Cl को हटा करके ये कार्बन का चेन वहां हमको लगा देना है, तो हमारा कीटोन बन जाएगा, ठीक। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, फिर हम याद रखिएगा कि अगर हम लोग एसिड क्लोराइड का रिएक्शन डाइअल्काइल कैडमियम के साथ कराएंगे तो किसका प्रपोजन होगा बच्चों, कीटोन का, और क्या साथ में क्या बाहर निकलेगा, CDCl2, ठीक है। छठा नंबर मेथड क्या बच्चों, फ्राइडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इससे भी हमारा सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड से नहीं बनेगा। सिक्स नंबर है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन बाय फ्राइडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विथ एसिड क्लोराइड, जब हम लोग बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर एसाइल क्लोराइड को हम लोग एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन एरोमेटिक कीटोन इज फॉर्म, एरोमेटिक कीटोन इज फॉर्म। ये भी नाम वाला रिएक्शन है, फ्राइडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस पे भी आपको नोट्स आ सकता है, मॉडल सेट में क्वेश्चन केस किया हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, हम लोग बेंजीन लेते हैं, दिस इज बेंजीन, इसका रिएक्शन हम लोग CH3 एसिड क्लोराइड CH3 सी डबल बॉन्ड को Cl के साथ करवाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो करना बस कुछ नहीं हम लोगों को, बेंजीन में सभी कार्बन पे बच्चों क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो यहां से हमको Cl को बाहर निकालना है, और यहां से हमको H को बाहर निकालना है। तो क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, HCl बाहर निकल गया,
और इस हिस्से को यहाँ जोड़ देना है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो और सी एच थ्री, ठीक है, एलेवन या कीटोन, इसका नाम है एसीटोफिनोन, एसीटो, इसका नाम एसीटोफिनोन है। बच्चे बाहर गोली खेल रहे हैं, ठीक है, देखिए हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो बेंजीन को अगर हम लोग, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, अगर हम बेंजीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हमको बेंजीन से एच को बाहर निकाल देना है और यहां से सीएल को बाहर निकाल देना है, बाकी हिस्से वहां पर जोड़ देना है, हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। तो लैंग्वेज में बता रहा होगा, व्हेन बेंजीन इज रिएक्टेड विद एसिड क्लोराइड और एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस HCl3, then aromatic ketone is formed. चलिए एक एग्जांपल और आपको देते हैं इसमें। ये हमारा बेंजीन है बच्चों, अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग बेंजीन C डबल बॉन्ड HCl, इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो बता सकते हो क्या बनेगा इसमें, ठीक है, बताइए। चलिए जो बच्चे सोच रहे होंगे, देखिए यहां पर ये बेंजीन में सभी कार्बन का एच है बच्चों, यहां से एच हटाना है, यहां से सीएल को हटाना है, अब बॉन्ड यहां पर हाइड्रेट दिख रहा है, इसको यहां जोड़ देना है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड हो इस बेंजीन में लगा हुआ है, यहां पर क्या आ जाएगा मेरा वापस बेंजीन का रिंग और ये सीएल बाहर क्या निकल गया एचसीएल, दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजोफिनोन, ठीक है। तो रिएक्शन याद कीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रेड्यूस सिलेबस के हिसाब से अग्निहार को किटोन बनाने का जितना मेथड था आपको बता दिए हैं बच्चों, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अग्निहार एंड किटोन, और उसके बाद आएंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में।